आज 25 मई 2023, आज की मुरली के ऊपर मेडिटेशन। अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक, संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का, रिलैक्स रिलैक्स, लेट गो। ध्यान अपने आप दो आंखों के बीच में शरीर से भिन्न अनुभव करेंगे। मैं मस्तक मणि अकाल तख्त नशीन शरीर की मालिक हूँ, परम धाम निवासी हूँ। परम धाम पांच तत्वों से पार, चारों तरफ लाल सुनहरा प्रकाश, मेरा असली घर और मुझ आत्मा के सच्चे सच्चे मात पिता शिव बाबा, उनके साथ मैं कंबाइंड हूँ, योग युक्त हूँ। अनुभव करें, जितना जितना मैं योग युक्त बन रहा हूँ, उतना उतना हर कर्म स्वतः ही युक्ति युक्त होते जा रहे हैं। जिस समय जो संकल्प बोल और कर्म करना है, वही करने की प्रेरणा अपने आप आ रही है। मुझे हर कर्म में सफलता मिल रही है। माया कितने भी तूफान लाए, लेकिन सर्वशक्तिवान शिव बाबा सदा साथ रहने के कारण माया के तूफान में मैं अचल और अड़ोल रहती हूँ। केवल एक शिव बाबा ही उसका नाम रूप मेरे बुद्धि में है। शिव बाबा ही मेरा संसार है। मैंने अपना सब कुछ देह सहित बाप के ऊपर बलि कर दिया है। सब कुछ बाबा का है, मैं ट्रस्टी हूं। बाबा ने मेरे दिल को साफ कर दिया, स्वच्छ कर दिया, बड़ा कर दिया। मैं महसूस कर रहा हूं इस समय मनुष्य आत्माएं बहुत दुखी है। बाबा ने मुझे विश्व की सर्व मनुष्य आत्माओं का दुख दूर करने के लिए निमित्त बनाया। हर आत्मा के दुख दूर करने के लिए दिल से ये दुआएं निकलती हैं कि विश्व की सर्व आत्माएं अनेक जन्मों के लिए सुखी हो जाए, सभी के दुख दूर हो जाए, विशेष सभी भक्तों को उनका भगवान मिल जाए। बाबा मुझे अनुभव करा रहे हैं कि मेरे हर संकल्प सिद्ध होते जा रहे हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान हमेशा मेरे साथ है। बाबा की सर्व शक्तियाँ हमेशा मेरे साथ है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे कह रहे हैं कि बच्चे, तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। तुमने कल्प कल्प बाप के ऊपर बलि चढ़कर ट्रस्टी होकर अपना ममत्व निकाल दिया है। रहम दिल होने के कारण, योग युक्त होने के कारण तुम्हारे हर कर्म युक्ति युक्त होते हैं और तुम्हें हर कर्म में सफलता मिलती है। दिल बड़ा होने के कारण तुम्हारे सभी भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। तूफानों में भी तुम अचल अड़ोल रहते हो और तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो।
बाबा से दृष्टि और वरदान प्राप्त करके मैं आत्मा बहुत खुश हो रही हूँ। बाबा को दिल से धन्यवाद दे रही हूँ। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा और दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति।